फरजान के साथ है। अब इनकी जो चीजें आएंगी ना उससे पहले वो आपको दे आएंगे। अब हो सकता है किसी को कहीं की पसंद हो, किसी को कहीं की पसंद हो। भाई आप लोगों ने हमारा एक व्लॉग देखा है क्रिकेट का, उसके अंदर आप देख रहे थे कि हम एक मंडी पे गए थे, रेहान मंडी। उस वक्त तो भाई हमें टेबल नहीं मिली और हम आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखा सके, तो हमने सोचा कि भाई नेक्स्ट डे हम आएँ और खाएँ और आपको एक्सपीरियंस शो करवाएँ, क्योंकि मेरी फेवरेट मंडी है भैया। फरजान के साथ है। हाँ, तो ये फरजान ने इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे, तो अब मैं जब भी आता हूँ तो एक दो दफ़ा खा के जाता हूँ ज़रूर। चिकन मदवी, एक चिकन और एक मटन। तो भाई हम जो मंगाने लगे ना, एक चिकन और एक मटन मंगवाने लगे। सबसे अच्छी चीज़ ये कि यार यहाँ पे एक बैतुल मंदी भी है, काफ़ी ओल्ड है, और पहले जब भी कभी हम आते थे तो वो खाते थे, बट यार इनकी जो प्रेजेंटेशन है और जो पोर्शन साइज है, आई मीन जो साइड के जो लवाजमात होते हैं ना, वो इनके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो इनकी जो प्राइस है ना वो भी मुनासिब ही है। तो हम जो मंगवाने लगे हैं वो एक है चिकन मदवी और अच्छा दूसरा जो है वो मटन की है। अच्छा, बारबेक्यू आइटम भी है इनके पास। तो हम जो मंगवाने लगे हैं वो है एक मटन और एक चिकन मदबी। मटन मदबी सेपरेट। ओके, थैंक यू। वाहिद चिकन मदबी, वाहिद मटन मदबी। तो ये अभी हमारा ऑर्डर गया है। अब इनकी जो चीज़ें आएंगी ना उससे पहले वो आपको दे आएंगे। ये यूजुअली भाई देखो, जब भी आप कभी यूएई या इस तरह की गल्फ कंट्रीज में जाते हो, गल्फ कंट्रीज, तो वहाँ पर जो सबसे जो कॉमन फूड आपको मिलता है ना, वो तो होता है मंदी। और हर जगह की मंदी में कुछ ना कुछ फर्क होता है, कुछ ना कुछ टेस्ट का फर्क होता है। जैसे कराची में आते हैं तो बिरयानी आपको मिलती है डिफरेंट टेस्ट की, इसी तरह यहाँ पे भी हर जगह की डिफरेंट है। अब हो सकता है किसी को कहीं की पसंद हो, किसी को कहीं की पसंद हो, तो उस पर कोई जजमेंट नहीं है। बट जाहिर सी बात है, आपकी अपनी एक फेवरेट कोई चीज़ होती है जिसका टेस्ट बट डेवलप हो चुका हो, तो भाई वो रेहान मंडी है भाई। ये देखो, ये आ चुका है सूप, नींबू। तो हम एपेटाइज़र, गर्मी में बाहर तकरीबन 42 डिग्री है और अंदर हम बैठ के यखनी पी रहे हैं। तो अक्सर लोग जो ये कहते हैं ना कि यार गर्मी में सूप नहीं पिया था, भाई ये मिथ है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। वाह वाह वाह, अच्छा इसने नींबू डाल दिया। चखो ज़रा, ऑडियंस को बताओ कि कैसी है। ज़बरदस्त, बस ज़बरदस्त। आपकी भूख जो है ना, ये यखनी खोल देती है। वाह ज़बरदस्त। लेमन भी डालते हैं भाई थोड़ा सा। अब लेमन दिया तो यूज़ तो करें, बस काफ़ी। अच्छा मज़े की बात देखो, थोड़ा सा लेट उठे आज क्योंकि कल मैच कवर किया था, बहुत थक गए थे और डायरेक्ट नाश्ते में मंदी खा रहे हैं। पर टाइम कोई 2:30 बजे है इस वक्त। अभी एक बंदा मिसिंग है, मुर्तज़ा, वो भाईजान मीटिंग में बिजी हैं, है ना। और खाना भी खा चुके थे तो हमने बोला हम खुद आ जाते हैं। और ये ब्लॉग कोई प्लान्टेड नहीं था भाई, तो ये बस हमने बोला कि जहन में था कि कभी भी अगर ये खाने जाऊंगा तो इसका एक एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा भाई। ये सैलेड, दही, योगर्ट, ये तला हुआ प्याज, ये टोमेटो सॉस, ये और टोमेटो सॉस, ये ग्रीन चटनी, ये क्या है भाई, पिकल, और ये अच्छा ये स्पाइसी, और ये मीठा, ये मतलब इमली का, इमली और खजूर का ये। तो मैंने आपको बोला था ना, ये एक्स्ट्रा जो लवाजमात होते हैं इनके, इस तरह के होते हैं। तो किसी और मंदी पे जाते हैं ना, वहाँ पे इतनी कोई चीज़ें नहीं मिलती आपको, तो वो यहीं पे इनके मतलब इनकी सर्विस मतलब नो डाउट 10 out of 10 है भाई। यार बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, मंदी इस सॉस के बिना अधूरी है। ये जो कच्चे टमाटर का जो सॉस होता है ना, जिसको आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि साल्सा सॉस, नियर टू साल्सा सॉस, इसके बिना मंदी अधूरी है। ये आप हर निवाले के साथ जो ना डाल के खाएं और फिर आपको मंदी का मज़ा आएगा। हाँ भाई सही कह रहा हूँ। हाँ ये अभी इसके पेट में खाना नहीं किया, ये सोचता है, सोच तो मैं भी हूँ यार।
अच्छा, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है, ये जो रेयान मंदी है, हालांकि है तो ये टिपिकल यमनी मंदी, बट इसके शायद ओनर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से साउथ इंडिया ने चेन्नई में नहीं गया ना, शायद मुझे भी ये रिपोर्ट मिली है, लेकिन अभी देखते थे, पता करते हैं, पता चल जाएगा कि कहाँ गए। वो क्यों बताएंगे भाई तुझे? क्यों नहीं बताएंगे? तो तू जाके पूछ रहे कहाँ के ओनर, तो ये पूछो, मतलब वो किसने खोलिए, कौन है बंदा जिसने खोलिए, तो पता कर सकते हैं ना हम लोग। अच्छा चलो, नहीं बताएंगे वो लोग, यहाँ नहीं छुपाते भाई, यहाँ सब टैक्स पेड होते हैं भाई। मंदी आ चुकी है और ये एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि मटन यहाँ आ गई है और चिकन यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या भाई? आलू। आलू, अच्छा उसमें एग था, इसमें आलू डाला हुआ है, दोनों में आलू डाले। तो भाई पहला निवाला फरदान साहब लेंगे, अपनी मटन मंदी ट्राई करके बताएंगे कैसी है। अभी बहुत गर्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लूँगा। हाँ ले लो, कोई मसला नहीं है। ये माँ बहन एक करो, मीट की माँ बहन एक, बेहतरीन बेहतरीन है, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। चलो एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, मंदी का असल मज़ा जो आता है ना, वो आता है हाथ से खाने में, तो हाथ से खाओ ना। ये लो भाई, हम खाएंगे हाथ से। अच्छा जी, ये वाला सॉस है ना भाई, ये इसके साथ ही ग्रीन सॉस है, ये ग्रीन सॉस थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें, क्योंकि ये मिर्चों वाला सॉस है और ये थोड़ा सा चटपटी हो जाएगी चटनी, और फिर हम इसको डालेंगे इसमें। तो डाला हमने इसमें, और फिर हमने लिया यहाँ से एक बोटी। माशाल्लाह, बोटी भी इसको थोड़ा सा मिक्स किया आपने इस तरह, ये हो गया गीला गीला, और फिर बिस्मिल्लाह। वह हाथ से खाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही। अच्छा आलू पर पहली दफा खा रहा हूँ मंदी में, डाला सालसा सॉस, टोमेटो सॉस जो कि कच्चे टमाटर का होता है, थोड़ा सा ग्रीन डाला, थोड़ी सी प्याज आपने छिड़की, इसको मिक्स किया, फिर गोश्त का टुकड़ा लिया, गोश्त का टुकड़ा लेने के बाद इसको रखा चावलों पे, फिर मिक्स किया, गीला कर लिया इसको, और फिर ये अब सब सेट है। गोश्त किसने माँ बहने कर दिए, ये देख सकते हैं। और मेरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, मैं ये सॉस ख़त्म हो गया तो मैं सॉस भी मंगवा रहा हूँ, ताकि इसके बिना यार ये निवाला नहीं जाता मंदी का, ये ज़रूरी है। ये आ चुका है सॉस हमारा, और ये सॉस आएगा अब यहाँ, तुझे खाना तो ले लीजिए भाई। पाकिस्तानियों की तरह, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरह ये एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करते हर सॉस को, बाकी आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं आपको सॉस। इवन राइस भी अगर आपके ख़त्म होगा तो आप थोड़े से राइस भी वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं आपको, एक्सेप्ट मीट। हाँ मीट नहीं देंगे, ज़्यादा फ्री नहीं हुआ। तो इन साइड डिशेज़ का कोई हिसाब किताब नहीं, आप जितनी दफ़ा मंगवाएं, बट यूजली ये बची जाती है, बट रेड सॉस ख़त्म हो जाता है हमारा, जैसे लोग आते हैं बहुत। भाई ये आखिरी निवाला हमारा जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़त्म हो चुका है इसकी, ये देखिए प्लेट, और मेरी भी।
यार। जब कभी भी आपका विजिट हो ना दुबई तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बाइक पे कह रहे हैं। भैया फिनिश हो चुकी हमारी मंदी। अच्छा दिखने में तो आपको लग रहा होगा बात खत्म हो गई, बट अभी एक चीज रहती है, इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री चाय मिल, चाय लेने गया भाईजान। और इसके साथ मैंने लास्ट टाइम खाया था वो मीठे कुछ और भी था चाय के साथ, है ना, बॉल्स थी कोई स्वीट बॉल्स थी कुछ। तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जाते जाते आपको और भी चीज़ें दे रहे होते हैं। क्या बोल गई क्या फ्रेश बना रहे थे इसके लिए। ओके ओके फ्रेश, तो मुझे समझ ही नहीं आई इस तरह बोल रहा था भाई। ये है उनकी चाय, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक्चुअली। इसको कहवा बोलेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारे पास जो कहवा होता है बिना दूध का, ये उस तरह का, बट है अच्छा फ्रेश। लेकिन ये पत्ती से नहीं बनता। ये पत्ती से नहीं बनता, किससे बनता है? इसके अंदर कुछ और डलता, कुछ और डलता, पत्ती नहीं है कुछ और। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करो ना, मुझे इतना पता पत्ती नहीं है, पत्ती नहीं है। लेंगे अच्छा, इनकी एक ब्रांच जो है वो अलबर्शा पे भी है, मॉल ऑफ एमिरेट्स की तरफ, है ना, रेयान मंदी। और ये डेरा में मॉस्को जो क्लब है जहाँ पे आप जाते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट। जी, जहाँ आते हैं ना, जहाँ आपको सबसे पसंद है। नहीं, हमें शरीफ, हम शरीफ लोग, हम नहीं जाते भाई। भाई बात चाय पर ख़त्म नहीं हुई थी। ये देखो ये एक और कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। अच्छा ये स्वीट बॉल्स हैं, अब इसको गुलगुले बोलें जो भी बोलें आप अपनी लैंग्वेज में। इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, कलौंजी भी लगी हुई है, तिल लगी हुई है, तिल है ना, हाँ तिल लगी हुई है। उसका नाम होता है लकमात, लकमात कहते हैं इसको अरेबिक में। लकमात, लकमात, लकमात कहते हैं इसको। देखा ये लकमात है इनकी लैंग्वेज में, हम लोग गुलगुले भी बोलते हैं इसको। ये देख रहे हो ये लगाया खजूर का पेस्ट है। और मजे की बात है, बात अभी यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई है। नीचे वो आंटी खड़ी होंगी, आपको चॉकलेट दे देंगी, फिर एक आपको इतर भी लगाएंगे, समझे ना। तो ये सब कुछ होता रहता है यहाँ। अच्छा ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, बट जाहिर सी बात है एक सर्विस एक अच्छी लगी है। मैंने बोला यार एक मंदी ऐसी मंदी की सर्विस कहीं नहीं मिली है ना, ऐसी मंदी। और इसकी रिव्यू भी देखे थे, बहुत अच्छी रिव्यू थे ऑनलाइन। तो ये जो मंदी के साथ जो सर्विसेज होती है ना इनकी एक्स्ट्रा और कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें आ रही होती है, ये और कहीं हमने नहीं देखी। अच्छा कितना बिल है टोटल अभी? बिल है सॉफ्ट ड्रिंक 65, इसमें वैट भी लगा हुआ है तो डिस्काउंट नहीं। मटन जो मदबी थी वो हमें पड़ी तकरीबन 57 की, सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हमें 8 दिरहम की, 8.5 दिरहम की, चिकन मद भी पड़ी हमें 31.50 की। तो मजमूई जो हमारी जो रकम है वो 97.65, वही जो कि यहाँ के लिहाज से बहुत बेटर है। नींद आ रही है कि अब खाने के बाद? तो मैंने क्या कहा था भाई, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों की। थैंक यू। और ये चॉकलेट उठा लिया हमने, ये लीजिएगा आप मेरी तरफ से। थ्री पीपल, अच्छा थ्री पार्टनर है, इमराती है, यमन है और केरला है, मतलब हमारा एक शख्स तो सही निकला। चलो भाई ये जगह थी भाई मंदी। थैंक यू ब्रो। सो अभी तो बड़ी ख़तरनाक गर्मी है भाई, वरना लास्ट टाइम हमने यहाँ पे भी बैठ कर खाई थी मंदी है। डेरा की तरफ है ये रेस्टोरेंट है, ये डेरा का मशहूर स्क्वायर आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप आएंगे ये यल्ला मार्केट के बिल्कुल बराबर में क्लॉक टावर। हाँ क्लॉक टावर डेरा का। चलो भाई ये था हमारा ब्लॉग, सोचा कि थोड़ा सा रिव्यू दे रहे थे मंदी का भी, और क्योंकि मंदी एक और भी इससे पहले खाई थी तो कंपेरिजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो कभी भी UAE आए, दुबई आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुख्तलिफ खाने आके, क्योंकि 200+ नेशनलिटीज़ रहती हैं यहाँ पे, आपको हर तरह के खाने मिलेंगे। खैर जो दुबई में लोग हैं वो आई होप कि उन्होंने खाई होगी, उनको पता होगा, नहीं भी पता है भाई ये ब्लॉग देखिए शायद आपको पता चल जाए, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
आप मुझे दीजिएगा इजाज़त और हम जा रहे हैं बोरी कब्जा के पास। अगर हम अपने एक दोस्त के पास जा रहे हैं, आई होप तो वो पी हो चुका है। चले जी, अल्लाह हाफिज़।